एस एस टैलीविजन के सारे ही दर्शकों को रविंदर सिंह पन वालों सत श्री अकाल। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि असी टाइम टू टाइम वक् वक् इलाकों के जाके नगर कीर्तन या कोई अजिहियां जिहड़ियां कि वड्डियां गैदरिंग हुंदियां हन कैनेडा अमेरिका दे विच ते उन्हां नूं कवर करन दी कोशिश करदे हां। लो अज असी इंडियाना शहर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी पद्धर ते पहली बार मनाया जा रहा है, जिस विच कैनेडा अते अमेरिका दे वख वख इलाकियां दे विचों संगतां पहुंचियां होईयां हन अते इत्थों दे भी बहुत अहुदे उच्च अहुदियां ते काम कर रहे लोकां जां फिर पोलिटिकल अदारे दे नाल संबंधित लोकां दे जिहड़े विचार पेश कीते जाणगे। लो असीं आप जी नूं इस नगर कीर्तन बारे विस्थारपूर्वक जानकारी दवांदे हां अते कुछ अजिहे दृश्य दिखावांगे कि जिहड़े पास्ट दे विच आप जी ने नहीं वेखे होणगे। इस समय असीं इंडियाना दे डाउनटाउन विखे जिथे अज नगर कीर्तन होण जा रहा है उस संदर्भ दे विच पहुंचे हाँ। तो यह जिहड़े इस वेले तुसीं लोक देख रहे हो यह होर कोई कम्यूनिटी दे विचों एकत्रित हो के अल्जाइमर बीमारी दे संबंध विच जो पैसे एकत्रित कर रहे हैं। बड़ा वधिया अज दिहाड़ा है इंडियाना जो स्टेट है उस दे इंडियन एपलिस दे डाउनटाउन विखे इस वेले असी मौजूद हाँ। सो लो अज असी आप जी नूं इस नगर कीर्तन दे दृश्य दिखाउंदे हाँ। इस वेले असी नगर कीर्तन की आरंभता दे विच वक् वक् इलाकों चो आए हुए संगत दे नाल तुहाडियां गल्लां बातां भी करावांगे। इत्थे दस्या गया है कि इत्थे काफ़ी मेमोरियल हैं जिवें कि तुसी सामने देख रहे हो यह इंडियाना वर्ल्ड वार मेमोरियल दी बिल्डिंग तुसी देख रहे हो। इस तरीके नाल असी आप जी नूं होर बिल्डिंगां भी दिखाउण दी कोशिश करांगे। सारी संगत दा बहुत बहुत जी आया जी। सारी संगत दे चरणों में दोनों हाथ जोड़ के बेनती है जी कि जिन्हां जिन्हां संगतां ने लंगर प्रशादा छक लिया है वो लंगर प्रशादा छकन उपरंत स्टेज के सामने आके सज जान जी। सारिया संगतां नूं दोनों हाथ जोड़ के बेनती है जिन्हां जिन्हां ने लंगर प्रशादा छक लिया है जी वो सारे ही संगत दे चरणों च निम्रता सहित बेनती है कि वह स्टेज सामने आके सज जान जी। सारी संगत नूं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। इस समय जो आप दृश्य देख रहे हो यह इत्थे इकत्र हुई इंडियाना दी अते दूर दुराडे तो आई हुई सा संगत है। सो इस तरीके नाल असीं कोशिश करते रहांगे कि आप जी नूं वख वख आईआं आईआं संगतां दे नाल रूबरू कराइए इधर इत्थों दे दृश्य दिखाइए। सो यह जो आप दृश्य देख रहे हो यह वार मेमोरियल फर्स्ट वर्ल्ड वार ते सेकंड वर्ल्ड वार दे संबंध विच इमारत दे सामने जो एक वड्डा पार्क है उत्थे एकत्रित होई साध संगत दे आप दर्शन कर रहे हो अते इस इमारत दे विच तुसी देख सकते हो कि जो भी अमेरिका दियां स्टेट्स दे झंडे हन वह दिखाई दे रहे हैं। लो काफ़ी वड्डी गिनती विच सिंह पूरे जोबन दे विच हन तुसी देख सकते हो इस वेले। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। की हाल है जी? और जी सानू थोड़ी जी जानकारी दियो कि अज जिहड़ा यह बहुत वधिया दिहाड़ा है एक किस संबंध दे विच है जी? अज जी बहुत खुशी का मौका है जी। पहली बार इत्थों की जिहड़ी संगत है अपना मिड वैस्ट की सारी संगत अज बहुत पहली बार रल मिल के बड़ी कई सालों की भजनस तो बाद अज एक मौका आया कि डाउन टाउन इंडियानापोलिस जिहड़ा कि अमरीका का बारहवां सब तो वड्डा शहर है उत्ते सानू अज अपनी इत्थे नगर कीर्तन करन का मौका मिल रहा है जी। इत्थे केड़ियां केड़ियां संगतां आईयां हन ते कोई सरकारी अदारे दे विच्चों कोई व्यक्ति आ रहा होवे भाषण देण? देखो जी अज बहुत खुशी का मौका यह है कि देखो जिस तरह अज इत्थे ऑनरेबल गवर्नर माइक पेंस इंडियाना दे जिहड़े आ रहे ने स्पैशल तौर दे उत्ते इस चीज़ का उद्घाटन कर रहे ने।
बड़ी खुशी की गल है क्योंकि अपने नगर कीर्तन का बहुत थावान होंगे ने पर अब वाहगुरु ने ऐसा भला किया कि जेडे अपना गवर्नर साहब खुद इन आके इनैगुरेट कर रहे हैं और इस तों बाद हर साल ये प्रोग्राम होएगा। और दूजी मैं होर कहना चाहना वा अज इत्थे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और अलावा असी $30,000 की जी डोनेशन है जेडे वैटरनस ने उन्होंने दे रहे हैं जो होर बहुत जथेबंदियों ज़्यादा वो तो वह कर रहे हैं नाले खूनदान हो रहे हैं। ठीक है जी, की कहना चाहोगे जेडे कनेडा दियां संगतां हन उन्हां प्रति की तुसीं संदेश देना चाहुंदे हो? उन्हां के प्रति संदेश ये देना चाहते हैं कि उन्होंने प्रति संदेश ये देना चाहते हैं कि नंबर एक तो भाई जेड़ा भी जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख है वह चढ़ती कला च रवे और अपने एवें जो प्रोग्राम ने मना रवे और अपना जोड़ा दुखान तो उन्होंने भी याद रखे जो 84 का दुखान तो उन्होंने भी याद रखे ताकि उन्होंने अं वो वह इंटरनेशनल स्टेज पर लै सकी। सिख राज बारे जद्दोजहद हो कोशिश करे हर तरह भी जिस तरह कर सकता है जिस तरीके ने भी कोई भैन भाई अपने सिख राज के बारे संघर्ष कर सकता वो जुटो तो अपने हकों वास्ते लड़ो। केड़ियां जथा जथेबंदियां इस महान कीर्तन दे विच मौजूद हन जी? इहदे विच जिहड़ी इस कीर्तन नूं ऑर्गनाइज कर रही है सिख सोसाइटी ऑफ इंडियाना और इहदे विच असीं जिहड़े पूरी तौर ते सपोर्टर हाँ सिख्स फॉर जस्टिस जिहड़ा उहनां दा 2020 रेफरेंडम है उहदे विच असीं उहनूं सन्मानित कर रहे हैं ते उहदे नाल नाल जिहड़ियां बाकी जिहड़ियां गोरियां दी जथेबंदियां ने और दूजी जिहड़ी सब तों वड्डी अपनी जथेबंदी है उह है इनसाफ। असीं इनसाफ दे नाल जिहड़े कि अपना खालड़ा साहब ने जिहड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन के उत्ते जी काम कर रही ने असं उत्ते उन्हों का समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद जी गुरिंदर जी, असं आप जी के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि तुम सूँ मौका दिता कि थोड़े ना ही गलबात कर सकी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। लो जी इस वे सैमी ढिलो भी साढ़े नाल मौजूद हैं, असी टोरंटो तो इकट्ठे इतने तो नहीं आए लेकिन इतने आन के सू पता लगा कि सैमी जी भी इतने आए। सैमी जी अज आप इतने आके मिल गए टोरंटो, आपको घट मौका मिलता ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰਨ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, 50 ਕੁ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ USA ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਮੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਵੇਲੇ 2500 ਫੈਮਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, 2500 ਫੈਮਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ 5 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮੀਲ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ,
महाराज का मैसेज अगर लैके जाना। इंटरफेथ सर्विस के काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिता जाता है, ठीक है। जिस तरह गुरुद्वारे सीमित है उत्थे एक कम्युनिटी सेंटर के नाते भी सोशल सर्विस भी प्रोवाइड की जाने, क्योंकि पिछले 7 सालों के जी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, इस करके जी गुरुद्वारे नीड्स स्पिरिचुअली सगिया वो तो गुरु घर ने पूरी कर दी ने, और अदर दैन दैट उस तो बाद भी काफ़ी ज़्यादा काम किए जाते हैं। वो पद्धर से सरकार के कोई अपना दखलअंदाजी ज कहना भाव के कोई ना कोई अपन उपाधियां प्राप्त की हो इस वेले सेंट्रल इंडिया कोई ऐसी गल नहीं हुई है, पर सरकार के नाल जिन्नी भी अपनी जिन्नी भी सर्विस ने कोई भी मेन स्ट्रीम के कोई मुद्दे ने पोलीटिकल कोई गल ने तालमेल जरूर है। हाँ जी, साडे एक के पी सिंह जी है ना, इसलिए वो मेयर के बोर्ड के काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, तो वो सेंट्रल इंडिया काफ़ी ज़्यादा इनवॉल्व ने। तो दास ऑलसो आई एम ऑलसो इनवॉल्व इन FBI सिटीजन अकैडमी। अच्छा जी, तो इमीडिएट है तो इतने इमीडिएट वेलकम सेंटर, अच्छा वो भी असं शामिल है। आई सर्व एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलसो, तो एक होर सेंटर फॉर द इंटर कारपोरेशन बनी है जिसे असं आई सर्व एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुरिंदर सिंह साढ़े नाल ने, तो साड़ी कोशिश ये है कि जो सा मैसेज है वो मेन स्ट्रीम नाल जॉइंट हो कि असी ता ही गल कर पावे जो असं होवे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो गुरिंदर जी इस वे आप जरूरत है अमेरिका दे विच भी वध तो वध पोलीटिकल इनवॉल्वमेंट की, क्योंकि कैनेडा दे विच ते इनफ होगी है, क्योंकि एक अपना चेहरा मोहरा वखरा है लेकिन आपां नूं जोड़ आ जांदा है मुसलमानां दे नाल। होर आपां की उपराले विडिए तां कि अमेरिका दे विच भी लोकां नूं पता लग जाए कि एक वखरी कौम है, ना कि एक होर कौम दे असीं अंग हां, साडी इक अपनी होंद है। उहदा इक बड़ा जिहड़ा जिहड़ा उहदा बड़ी अच्छी गल है कि जिस तरह कनेडा दे विच अपनी जिहड़ी कम्युनिटी दे जिहड़े पोलीटिकल प्लेटफॉर्म दे उत्ते आलरेडी आ चुके ने। अमेरिका दे विच मैं एक दिन आही जिहड़ा एनालिसिस ही हैगा कि अमेरिका दे विच जिहड़ी पापूलेशन सिखां दी है कनेडा दे बराबर ही है, लेकिन कनेडा दे बराबर होने दे बावजूद भी सिखां दी पोलीटिकल इनवॉल्वमेंट इस करके नहीं हुई क्योंकि जिहड़ी पापूलेशन है बहुत थावां दे विखरी हुई है, अलग अलग शहरां च अलग अलग थावां दे गई है। जिस टाइम अं सोच रहे हैं भी जिस तरह जे पापूलेशन किसी एक कॉन्सनट्रेट कर जाए फिर उतों साढ़े नुमाइंदे हो सकते हैं, तो पापूलेशन बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होने करके साडा है हुण, पर सानू ये बहुत उम्मीद है कि आने वाले जिस तरह पापूलेशन इंडियानैपलिस के मूव हो रही है, सानू ये उम्मीद हैगी कि आने वाले टाइम के इतों कोई ना कोई कांग्रेसमैन विद इन 10 ईयर्स देर शुड बी वन। हाँ जी, मैं चाहूँगा कुछ और सज्जनों के नाल भी गलबात की जाए। सरदार साहब आप थोड़ा जहा उधर हो जाइए क्योंकि छां है तो किसी वेले सिग्नल दे विच प्रॉब्लम होंदी है। की कहना चाहोगे तुसी इस वेले टोरंटो कनेडा दियां साध संगतां नूं कि किस तरह दियां तुहानूं मदद दी लोड़ है, उपरालियां दी लोड़ है तां कि कनेडा दी तरह अमेरिका दे विच वी सिंघां दा बोलबाला हो सके। देखो जी, जिथे तक हैगी पोलीटिकल इनवॉल्वमेंट की गल, साडी जिहड़ी कम्यूनिटी है इंडियाना दे विच है ये कोई ज़्यादा देर तो नहीं आई, ये 2007 तो बाद आनी शुरू हुई है जी, तो वो हूँ कुछ आप पिछले सालों के कुछ इनवॉल्वमेंट हुई है, साडे कुछ लोकल कौंसलमैन बने हैं, कुछ साड़ी इतने तक चलो जान पछाण के तौर पर अभी तक पोलीटिकल इनवॉल्व नहीं हैगी, तो साड़ी परसनल जान पछाण के करके क्योंकि मेरे खुद रिलेशन उन्होंने ब्रदर ना बहुत ज़्यादा है गवर्नर के नाल, तो अच्छ साड़ी इस परेड पर आ रहे हैं, पर अजे तक भी बहुत सारे जोड़े ऑफिशियल है उन्होंने साड़ी कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं की, क्योंकि पर जिस तरह कम्यूनिटी का साडा होएगा दिखावा वो ये है सू आस है कि अगर तो साढ़े जी मोर पोलीटिकल इनवॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। कनेडा दिन जगत हैं उन्होंने तुम की अपील करनी चाहते हो? कनेडा दंगतान को देखो जी, अं अपील करा कि जिते भी तुम सिख गुरु नानक का नाम लेवा सिख बैठा है अपनी आज़ादी वास्ते जदोजहद करो, सानू इस टाइम सब तो बड़ा खतरा है साड़ी आज़ादी का है कि हर पास साढ़े इंडिया स्पैशली ये हमले हो रहे हैं, तो सानू अपनी होंद बचाउण दा सब तो वड्डा यतन करना चाहिए, तो अपने बच्चों वध तो वध सिखी नाल जोड़ो, अपने सिखी सरूप बारे दसो, तो वह जो भी कर सकते हैं कि सानू इस टाइम सिखी सरूप बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी, चलिए।
ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
बहुत सोने फ्लोट तैयार किए गए हैं। सारागढ़ी की बैटल बारे भी जानकारी उपलब्ध है अते जो हिस्ट्री दे विच अजिहियां तस्वीरां जिहड़ियां कि पहलों यह मौजूद नहीं सन वेखन हुंदियां लेकिन अजकल जिहड़ा मीडिया दे विच अजिहियां तस्वीरां बहुत मिल रही हैं जिन्हां तों काफ़ी जानकारी मिल रही है। सो जिवें कि चमकौर साहब की लड़ाई चमकौर की गढ़ी 1704 की जदों कि 40 सिख सन ते बहुत वड्डी फौज मुगलों की सी ते इस प्रकार एक 21 सिख 10,000 अफगानिया के विरुद्ध 1897 लड़े सन उस देवी दृश्य इतने दिखाई दे रहे हैं। सो संगत इस वेल तैयार पर तैयार हैं। सो तुसी देख रहे हो कि यह जो नगर कीर्तन इंडियाना स्टेट के इंडियानैपलिस इतों की राजधानी है उतों यह पहली बार आरंभ किया गया है। गुरिंदर सिंह जी की बहुत मेहनत सदका अजिहा संभव होया है। तुसी देख रहे हो कि यह डाउनटाउन है इतों का जिहड़ा कि चार सफेरे बिल्डिंगा दे नाल इत्थे तुसी फुटेज राही दर्शन कर रहे हो अते उहदे विच सिंह इस वेले दिखाई दे रहे हैं। इत्थों दी दस्या गया है कि वड्डी गिनती नहीं है 2,500-3,000 फैमिली है लेकिन उस गिनती नूं देखदे होए अज जो इकत्रता हुई है वक्ख वक्ख इलाकियां चों संगतां इत्थे आईयां हन। सो मैं बार बार ये कह रहा कि जेकर आपां अफोर्ड करदे हाँ कि किसी नगर कीर्तन दे विच जा के पार्टीसपेट करना तो आपू इस वे वे शहर चो जिते कि साड़ी बहुत वड्डी वसों है उतों सानू जरूर अजिहे उपराले करने चाहिए हैं कि संगतां वड्डी गिनती विच उत्थे नगर कीर्तना दे विच शमूलियत करन जिथे ज़्यादा वसों नहीं है। जेकर असी इत्थे हज़ारां की गिनती विच दिखाई देईए तो जो भी इत्थों की सरकार है उस ते वो प्रभाव पवेगा तो उस प्रभाव सदका साड़ी अपनी पहचान बनेगी। अमेरिका दे विच थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है सिखां नूं अपनी होंद दिखाउण दे विच उहदी इहो ही वजह है कि अपनी गिनती इत्थे एक जगह ते असी फोकस नहीं हाँ वक्ख वक्ख थावां ते हाँ। एक होर जरूर इत्थे दसण वाली गल बनदी है कि जिहड़े इत्थों दे लोक हन काफ़ी अमीर हन ट्रैकिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रोंग हैं होटल मोटल बिजनेस दे विच काफ़ी स्ट्रोंग हैं ते इत्थे जिहड़े गैस स्टेशन हैं उन्हां दे काफ़ी ते लिकर स्टोरां दे काफ़ी मालक जिहड़े खास करके पंजाबी हैं। सो यह इत्थे प्रदर्शन जेकर आपां होर भी अपने कौम दा करिए हर एक स्टेट्स दे विच ते बहुत वधिया होवेगा। बहुत चंगी गल है कि इत्थों दे बच्चे जिहड़े आ पंजाबी सूटां दे विच लड़कियां मौजूद हन अते नौजवान लड़के जिहड़े हन उन्होंने बहुत सोहणियां ड्रैसेस पाई हुई है। लंगर तुसी देख रहे हो कि पार्क दे विच थल्ले गलीचे दे उत्ते संगत बह के लंगर छक रही है ते नगर कीर्तन इस वेले आरंभ होने वाला है। कीर्तन स्टेज पर चल रहा है। यह एक सर्कल दे तौर पर डाउनटाउन दे विचों दी हुंदे होए आण के समाप्ति करनगे ते फिर गवर्नर जिहड़े हन उह इत्थे भाषण करनगे। सो लवो इस वेले जिहड़ी आरंभता जिहड़ी नगर कीर्तन की लगभग होने वाली है। गुरु साहब जी की सवारी तैयार है अते संगतां इत्थे मौजूद हैं। Oh,
ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੀਪਲਸ ਕੰਸੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਵਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪੰਨੂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀ ਓਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਨੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿੱਖਮ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਰਡਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਲਾਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਡ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ? ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੋ, ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੋ, ਸਨੋਅ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਕੀਪਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕੀਪੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟ ਹੋਣ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ।
हाँ जी खैर मैं सारी कौम वैसे की कहना चाहता वा भी जी रेफरेंडम की गल हो रही है दुनिया के इंग्लैंड कनेडा न्यू अमेरिका इंडियानापोलिस जगह जगह हो रही है तो सारे जुड़ो तो आप रल के पंजाब में एक तकड़ा देश बनाइए सो दैट आने वाले समय से असी इंसाफ भी ला सकी यूएन के गल भी कर सकी सारी कौम की राखी रख सकी। अच्छा जितेंद्र जी दसो कि कैनेडा दे विच ज़्यादा हुंगारा मिल रहा है इस रेफरेंडम नू जां फिर अमेरिका दे वख-वख शहरां दे विच? साहब जे मैं तुहानू ऑनसी दसां दुनिया सारी जगह दे विच पूरी सपोर्ट मिलती है बारेन दे विचों जिथे सिख बैठे ने वह कह रहे हैं पंजाब की धरती उपर जिथे सिख बैठे ने वह कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कनेडा इंग्लैंड अमरीका जगह जगह दे सिख दे ये गल आ रही है मूहरे भी सानू पुछता लवो असी इंडिया ना रहना चाहते हैं हाँ जना ये कोई माड़ी गल नहीं ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की गल है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की गल है। इस तो अलावा कोई होर देश जेड़ा के इस मुद्दे ते इस सोसाइटी की इस संस्था की हेल्प कर रहा हो? देश तो सानू किसी ने नहीं हेल्प करनी जिन्ना चेर आप रल के नहीं ये गल एक आवाज़ ना मूहरे आते आप इस एफर्ट पा रहे हैं रल नू एक एफर्ट पा रहे हैं कट्ठे होने नू जदों सिख कौम कट्ठी होगी सारे देश लाइन ला के लाने भी असं थोड़ा दसीए तुम की चाहते हो उदो इंडिया की बैठक भी लाइन कटो कि जगह वा असं थोड़ा देने तैयार हैं। ओके थैंक यू जी बहुत बहुत मेहरबानी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। लो जी इस वे असी इंडियाना स्टेट के इंडियानापोलिस जिहड़ा कि गुरगद्दी दिवस नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है डाउनटाउन दे विच उसदे तुसी दृश्य देख रहे हो उसका प्रोग्राम देख रहे हो SS टैलीविजन सुरसागर से और इत्थे चाहे संगत थोड़ी है लेकिन फिर भी काफ़ी इन्हां दे विच उत्साह पाया जा रहा है। यह दस्या गया है कि 2,500 ही इत्थे लोकी हन लेकिन जेकर आपां इन्हां दी गिनती वेखीए तो काफ़ी वड्डी गिनती दे विच इह इत्थे नज़र आ रहे हैं। बहुत सोहने फ्लोट तैयार किए गए हैं तुसी देख रहे हो कि ये फ्लोट दसवें पातशाह जी का बहुत खूबसूरत चित्र है अते नाल दी नाल छोटे साहबजादियां नूं नीयां विच चेंदे होए अते भाई कन्हैया जी जल छकाउंदे होए चाहे अपने विरोधी ही हन युद्ध दे विच फौज दे जिहड़े जख्मी होए सिपाही उन्हां नूं उह पाणी पिंदे हुए। अगला फिर तुसी फ्लोट रह वेख रहे हो प्राउड टू बी ए अमेरिकन सिख जिस दे उत्ते तुसी वेख रहे हो कि जस्ट डिले इज जस्ट डिनाई ते तुसी देख रहे हो जसवंत सिंह खालड़ा दे तस्वीर अते शहीद शरीरक मौत नू मैं नहीं मानता जमीर तां मर जाना यकीनन मौत है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे जो बचन सन। इस तो अलावा तुसी वख वख शहीदां दीआं तस्वीरां लगियां होईआं इह फ्लोट ते वेख सकदे हो। फिर 1984 सिख जेनोसाइड जिहड़ा कि सिख फॉर जस्टिस वल्लों वर्ल्ड दे विच इस नूं हुण एक तरह दा जगह मिल गई है ते नाल दी नाल तुसी देख रहे हो 2020 रेफरेंडम दी गल जिहड़ी चल रही है उस संदर्भ दे विच इह नौजवान सिंह जिहड़े अपनी आवाज़ इस नगर कीर्तन दे विच बुलंद करदे होए नज़र दे दिखाई दे रहे हन। फिर दसना चाहुंदा हाँ कि इह नगर कीर्तन इस वेले तुसी देख रहे हो कि दी रिप जिहड़ी लाइब्रेरी है इंडियन वर्ल्ड वार मेमोरियल माफ़ी चाहुंदा इंडियाना वर्ल्ड वार मेमोरियल दे सामने तुसी इस वेले संगतां दा भारी इकट्ठ देख सकते हो। यह है नगर कीर्तन इंडियाना दे इंडियानापोलिस शहर दे विच गुरगद्दी दिवस दे तौर ते मनाया जा रहा।